हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफएफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन माफिया बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तो फिर ओयन जे होप से शादी करने के लिए मान जाते हैं। जिमिन और युंगी ओयन को बोलते हैं, क्या तुम सच में जे होप के साथ शादी करना चाहते हो? ओयन बोलते हैं, हाँ मुझे उससे शादी करना है क्योंकि उसने मेरी बहुत मदद किया है, मेरे डैड को बचाया है उसने, और मुझे अब उसका कर्ज चुकाना है। तो युंगी बोलते हैं, तुम सिर्फ इस वजह से उससे शादी कर रहे हो? तो तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब मिलके तुम्हारी वो पैसे लौटा दूंगा, तुम फिकर मत करो। वायन बोलते हैं, नहीं मुझे शादी तो किसी से ना किसी से करना ही है, तो मैं जे होप से क्यों नहीं शादी कर सकता हूँ? और वो मुझसे प्यार करता है, चाहे वो माफिया क्यों ना हो, अब मुझे जे होप से शादी करना है। और त्यांग भी तो जानकुक के साथ वहाँ फंस गया ना, तो मैं तो इतना कर ही सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जब वहाँ चला जाऊँगा तो मैं त्यांग पे नज़र रख पाऊँगा। तो जिमिन बोलते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि त्यांग को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है? वो चाहे तो खुद की मदद कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि त्यांग अब तक कुछ कर क्यों नहीं रहा है। युंगी बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा जिमिन, मुझे भी यही लग रहा है कि त्यांग अब तक कुछ कर क्यों नहीं रहा है। अगर वो चाहता है तो वो वहाँ से निकल सकता है, वो लड़का इतना इंटेलिजेंट है। ओयन जिमिन और युंगी को बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि त्यांग जानबूझ के वहाँ पे रुक गया है, वो ऐसा थोड़ी चाहेगा, वो फंस गया है वो भी मेरे वजह से, क्योंकि जानकुक मुझे ढूंढने के लिए गया था जे होप के लिए, लेकिन त्यांग वो थोड़ी सी मजाक की वजह से वो इतना ज़्यादा नहीं फंस सकते हैं। जानकुक को त्यांग इतना ज़्यादा पसंद आ गए हैं कि अब जानकुक त्यांग को नहीं छोड़ने वाला है, और तुम तो जानते ही हो कि जानकुक के हाथ में कितना पावर है, अगर हम कंप्लेन भी करेंगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। तो जिमिन बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी सोलमेट को उसके हाथ से बचा के ही रहूँगा। युंगी बोलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और जिमिन बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं त्यांग की मदद कैसे करूँ। वायन बोलते हैं, तुम दोनों को सोचने की क्या ज़रूरत है, मैं ऐसे भी शादी करने वाला हूँ जे होप से, और तुम दोनों मेरी शादी में आ जाना, मेरी शादी की स्टार्ट से लेकर एंड तक तुम दोनों रहोगे, और तुम दोनों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है ये शादी कैसे करवाना है जे होप के साथ मेरी, ठीक है? तो तब तुम दोनों को कोई कुछ नहीं कह पाएगा, चाहे जानकुक भी तुम दोनों को कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि जे होप को मैं पहले ही बोल दूंगा कि मेरे दो दोस्त मेरी शादी में मुझे मदद करने वाले हैं, ठीक है? तो तुम लोगों को जो भी करना है उसी टाइम पे करना है, त्यांग से बात करने की कोशिश करनी है और उसको वहाँ से निकालने की भी। तो जिमिन बोलते हैं, तुमने सही कहा, थैंक्स यार कि तुमने तुम्हारी शादी पे हम दोनों को इनवाइट किया है। वायन बोलते हैं, वो तो करना ही था, चाहे किसके साथ भी मैं शादी क्यों ना करूँ, लेकिन तुम लोग मेरे दोस्त हो और हम सब एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो शादी में इनवाइट तो करूँगी ही ना। तो फिर जिमिन के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि शादी में त्यांग को हम लोग कैसे भी करके बचा ही लेंगे। और यहाँ पे जानकुक को उसकी मॉम ने वीडियो कॉल दिया है, तो फिर जानकुक अपनी मॉम को त्यांग को मिलवाता है। उसकी मॉम कहते हैं, ये कौन है? जानकुक बोलते हैं, आप गेस कर लीजिए ये कौन है, कौन हो सकता है मेरे साथ में, और वो भी इतना क्लोज, आप आइडिया तो लगा ही सकते हो। क्यों? मेरे मॉम बहुत ही इंटेलिजेंट है और मैं जानता हूँ आप गेस कर ही लोगे। तो मिसेज जॉन कहते हैं, कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? तो जानकुक बोलते हैं, यू आर राइट। तो उसके मॉम कहते हैं, लेकिन ये कब हुआ और कैसे हुआ? तुम्हें तो कोई प्यार में विश्वास ही नहीं था और तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पास दिल नहीं है, अचानक तुम्हारे दिल में ये आहट कैसे सुनाई दे रहा है? क्या इसके जिम्मेदार ये लड़का है क्या? ये तो बहुत ही इनोसेंट लग रहा है, तुमने इसको कैसे फंसाया है अपनी जाल में? जानकुक बोलते हैं, मॉम आप खुद ऐसी बातें कर रहे हो अपने बेटे के बारे में। तो उसके मॉम कहते हैं, क्योंकि तुम अच्छे इंसान तो हो लेकिन तुम जो करते हो वो अच्छा नहीं है, तुम एक माफिया हो, तो तुमसे मैं और क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ? कहीं तुम उसको डराया धमकाया तो नहीं है ना अपने साथ रिश्ते में जुड़ने के लिए? तो मिसेज जून की बात सुनकर त्यांग मुस्कुराता है। त्यांग की मुस्कुराहट को देखकर मिसेज जून भी मुस्कुराता है।
तियांग को देखकर मिसेज जियोन को बहुत अच्छा लगता है कि तियांग इतना हैंडसम है और वो इतना इनोसेंट लग रहा है। मिसेज जियोन कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो तियांग बोलते हैं, मेरा नाम है किम त्यो। मिसेज जियोन कहते हैं, तुम्हारे जितना ही तुम्हारा नाम भी प्यारा है। तो तुम्हारे मॉम डैड क्या करता है और तुम कहाँ रहते हो? तियांग इससे पहले कि कुछ बोलते जियोन को बोलते हैं, मॉम आप उसको इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? पहली बार में सबको जान लोगे क्या? तो जियोन को की मॉम बोलते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे उससे बात करने में अच्छा लग रहा है, मुझे उसके साथ बात करने दो। क्या तियांग बेटा तुम मेरे साथ बात नहीं करना चाहते हो? तियांग बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, मुझे आपके साथ बात करते हुए अच्छा लग रहा है। तो मिसेज जियोन कहते हैं, देखा उसने भी कह दिया है, अब तुम हम दोनों के बीच में मत आया करो और हम दोनों को बात करने दो। जियोन को बोलते हैं, नहीं मॉम अब बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं फ़ोन रखता हूँ। मिसेज जियोन कहते हैं, जियोन को एक मिनट रुक जाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। तो तियांग को बोलते हैं, तियांग क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगे? तो तियांग कुछ नहीं बोलते हैं। मिसेज जियोन बोलते हैं, आई नो तुम उसे शादी नहीं करने वाले हो, और उसे शादी कौन करना चाहेगा? वो माफिया जो है। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम कहीं माफिया तो नहीं लगते हो? तो जियोन को बोलते हैं, अब ज़्यादा बोल रहे हो, मैं रख रहा हूँ। इससे पहले कि मिसेज जियोन तियांग से और कुछ पूछते, जियोन को फ़ोन कट कर देते हैं। तियांग बोलते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? वो मेरे साथ बात करना चाहते हैं और मुझे भी उनके साथ बात करने में अच्छा लग रहा था। जियोन को बोलते, ओ रियली तुम्हें मेरे मॉम के साथ बात करने में अच्छा लग रहा था? तियांग तुम मेरे साथ तो इतनी प्यार से बात नहीं करते हो जितना प्यार से तुम मेरे मॉम के साथ बात कर रहा था। इतनी प्यार से मेरे साथ भी बात कर लिया करो, आखिर में मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ तो तियांग बोलते हैं, प्यार से बात करने के लिए भी एक बहुत ही प्यारा सा इंसान चाहिए, लेकिन वो तुम नहीं हो, तो मैं तुमसे प्यार से कैसे बात कर सकता हूँ? जियोन को बोलते हैं, तुमने क्या कहा? तुम पहले तो बोलते हो तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तियांग बोलते हैं, नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जियोन को बोलते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ है ना, तो तुम मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। एक बॉयफ्रेंड के साथ लोग किस तरह से बात करते हैं? बहुत ही प्यार से, जैसे कि डार्लिंग जान, तुम ऐसा कुछ बोल सकते हो? तियांग बोलते हैं, मुझे ये सब कुछ बोलने में अच्छा नहीं लगता है। और हाँ तुम शो ऑफ के लिए मुझे बेबी बोल सकते हो, लेकिन मैं नहीं, और मुझे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे जितना। जॉकुक बोलते हैं, तियांग तुम्हें ऐसा लगता है बेबी कि मैं तुम्हें लोगों को दिखाने के लिए बोलता हूँ? बेबी ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम मेरा बेबी हो। जॉकुक और तियांग बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक उन लोगों को सुनाई देता है कि नीचे कोई बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था सबको कि सब लोग नीचे आ जाओ, सब लोगों से कुछ बोलना है। जॉकुक समझ आते हैं, ये कोई और नहीं, ये जेहोप है। तो जॉकुक तियांग को बोलते हैं, तेई बेबी चलो अब नीचे चलते हैं, शायद मेरा बहुत अच्छा दोस्त जेहोप नीचे आ गया है और उसको शायद बहुत ही अच्छा सा गुड न्यूज़ देना है हम लोगों को। मुझे लगता है कि ये गुड न्यूज़ हम दोनों को साथ में सुनना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? अब चलो भी। तो तियांग बोलते हैं, मुझे कहीं पे नहीं जाना है, मैं कमरे में रहना चाहता हूँ, मुझे रेस्ट करना है। जॉकुक बोलते हैं, रेस्ट कर लेना, लेकिन थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकते हो ना तुम? तुम जानबूझ के ये सब कुछ करते हो, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। और हाँ तुम किसी के इतना करीब मत जाना जिसको देखकर मुझे गुस्सा आ जाए, समझे? सबसे दूर रहना और कोई भी तुम्हें टच ना कर सके, जो भी टच करेगा तुम्हें मैं उसकी हैंड तोड़ दूंगा। और तुम समझ ही सकते हो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यूनो को अब तक इसलिए नहीं मारा है क्योंकि मुझे लगता है कि उसके पास थोड़ा सा और टाइम है, वो अभी इतने जल्दी नहीं मर सकता है, उसको तो हम दोनों की शादी भी देखना है, तभी तो मज़ा आएगा। और ये बोलने के बाद जॉकुक तियांग को लेकर नीचे जाते हैं और जेहोप जैसे ही जॉकुक को देखते हैं वो आज पहली बार दौड़कर आते हैं और जॉकुक को गले लगा लेते हैं। वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं क्योंकि वाइन शादी के लिए हाँ बोल दिया है। तो जॉकुक बोलते हैं, क्या हुआ, क्या वाइन शादी के लिए मान गए हैं? जेहोप बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता? जॉकुक बोलते हैं, ये तो होना ही था, तुम्हारे जितना हैंडसम लड़के को कोई मना कर सकते हैं क्या? तो जेहोप बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, और उसको मैं पसंद हूँ। कैन यू बिलीव दैट?
मैं वैन को पसंद हूँ। त्यांग अचानक बोल उठते हैं कि नहीं, तुम वैन को पसंद नहीं हो, वो मजबूरी में तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुए हैं और कुछ नहीं। उसको लगता है कि वो अगर तुमसे शादी कर लेगा तो शायद मैं यहाँ से बच जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे साथ शादी करने का फैसला बहुत ही रॉन्ग था उसके लिए। जेहू बोलते हैं, तुम जानते ही नहीं हो, तुम्हें यकीन नहीं है ना कि वैन मुझसे शादी करना चाहते, वो भी अपनी मर्जी से और खुश होकर, तुम्हारे लिए नहीं। तो तुम क्या करोगे? त्यांग बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो मुझे बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है और मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। जेहू बोलते हैं, तो फिर एक काम करो, तुम वैन से बात कर लो। तो त्यांग बोलते हैं, हाँ मैं अभी वैन को कॉल करता हूँ। तो फिर जोंगकुक अपनी पॉकेट से त्यांग की फ़ोन उसको देते हैं, क्योंकि त्यांग का फ़ोन जोंगकुक के पास ही रहते हैं। त्यांग वैन को कॉल करते हैं और बोलते हैं, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो गए हो जेहूक के साथ? वैन बोलते हैं, हाँ, और मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ त्यांग, मैं सच में जेहूक से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर त्यांग बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो तुम अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करने में क्यों लगे पड़े हो? जोंगकुक उसके हाथ से फ़ोन खींच लेते हैं और बोलते हैं, वैन कंग्रेचुलेशन, तुमने मेरी दोस्त से शादी करने के लिए तैयार हो गए हो और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम शादी नहीं करते तो उसका दिल टूट जाता। वैन बोलते हैं, हाँ मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। त्यांग बोलते हैं, वैन तुम ऐसा मत करो, तुम्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक माफिया है और वो अच्छा इंसान नहीं है। जोंगकुक को गुस्सा आ जाता है और वो त्यांग को दीवार के साथ धकेल देते हैं। त्यांग दीवार के साथ चिपक जाते हैं। जोंगकुक उसके ऊपर चले आते हैं, उसकी दोनों हाथों को कस के पकड़ लिया है दीवार के साथ और कहते हैं, तुम आखिर में चाहते क्या हो कि मैं तुम्हारे साथ सबके सामने? त्यांग बोलते हैं, तो करो ना, तुम में ये सब कुछ करने के अलावा और क्या आता है? और मैं तुमसे इसके अलावा कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। प्यार क्या होता है तुम ये जानते ही नहीं हो, तुम्हें लगता है सिर्फ इंटीमेट होना ही प्यार है और इसलिए तो तुम मेरे साथ इतना सब कुछ कर रहे हो। लेकिन मैं तुमसे एक सच बात बोलता हूँ, प्यार इस तरह से नहीं होता है। जब तुम सच्चे में किसी को प्यार करते होंगे ना, तो उसका कभी भी बुरा नहीं चाहोगे और उसके साथ ये सब कुछ ज़बरदस्ती करके नहीं करोगे, उसकी हाँ बोलने का इंतज़ार करोगे। तब तक तुम इंतज़ार करोगे जब तक वो हाँ ना कह दे, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। जोंगकुक बोलते हैं, मुझे भाषण नहीं सुनना है, मेरा मन जो चाहेगा मैं वो ही करूँगा और तुम मेरा हो, इस बॉडी पे सिर्फ मेरा हक है और कोई नहीं टच कर सकता है, समझे तुम? तो फिर जोंगकुक त्यांग के होठों को टच करके बोलते हैं, तुम्हारी लिप्स बहुत ज़्यादा पिंक है और जब भी मैं इस लिप्स को देखता हूँ मैं पागल सा हो जाता हूँ, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि अभी मैं तुम्हें किस कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि ये तुम्हारे और मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि सब लोग हम दोनों की इस प्राइवेसी को लाइव देखे और वो लोग मज़े ले। मैं अपनी त्यांग को सबके सामने शो नहीं कर सकता हूँ, तुम सिर्फ मेरा हो, तुम्हारी बॉडी पे सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारी बॉडी को देखने का किसी का हक नहीं है। त्यांग बोलते हैं, तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, ये कोई टाइम है क्या ये सब बातें करने की? जोंगकुक बोलते हैं, तुम इतना पागल क्यों कर देते हो मुझे, अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद त्यांग की हैंड को पकड़ के उसको कमरे में खींच कर लेकर जाने वाले थे। जोंगकुक अचानक जेहूक को बोलते हैं, जेहूक आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे अब अपने बेबी के साथ थोड़ा सा रोमांस करना है। जेहूक जोंगकुक को बोलते हैं, ठीक है, और जेहूक सब लोग के साथ बात करना शुरू करते हैं। सब लोग जेहूक को कंग्रेचुलेशन बोल रहे थे और वैन के बारे में तारीफ कर रहा था कि वैन बहुत ही प्रीटी है और जेहूक तो बहुत लकी है कि उसको इतना प्रीटी गर्ल मिल गया है। जेहूक इतना ज़्यादा खुश है कि वो वैन के घर पे गिफ्ट भेजते हैं और वैन जेहूक को कॉल करके बोलते हैं, तुमने इतना सारा गिफ्ट क्यों भेजा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, प्लीज़ इसको वापस ले लो। जेहूक बोलते हैं, नहीं, ये तो हम दोनों की प्यार की खुशी में मैंने तुम्हें गिफ्ट किया है, इसको गलत मत समझना। तो वैन बोलते हैं, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। तो जेहूक बोलते हैं, प्लीज़ इस बार के लिए इन सारे गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद मैं ध्यान रखूँगा। तो वैन बोलते हैं,
तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं इसको क्यों नहीं लेना चाहता हूँ। तो जेहो बोलते हैं, इस बार के लिए तुम इन सारी गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद मैं ध्यान रखूँगा, दोबारा से ऐसा गलती नहीं होगा। तो ओयन कहते हैं, ठीक है लेकिन दोबारा से ये सब कुछ मत करना, तुमने जो गिफ्ट्स भेजे हैं वो गिफ्ट्स नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा है, गिफ्ट्स ऐसा नहीं होते हैं और मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तक हम दोनों की शादी नहीं हुए है और लड़के वाले को लड़की वाले हमेशा ये सब कुछ दिया करते हैं जो तुम कर रहे हो। जो बोलते हैं, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि लड़की के फादर लड़के को बहुत सारा गिफ्ट भेजे, ये सब कुछ तो लड़के वाले को करना चाहिए लड़की की पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उन दोनों ने इतना कष्ट उठाकर लड़की को बड़ा किया है, उसके बाद शादी कर देते हैं। तो ओयन बोलते हैं, तुम्हारी इन सारी बातों को नज़र में रखते हुए मैंने ये शादी का फैसला किया है, क्योंकि तुम कुछ अलग ही सोचते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था एक माफिया इतना अच्छा सोच सकते हैं। जेहो बोलते हैं, ये तुम्हारा असर है और तुम्हें पाने की चाहत, अब तुम आ जाओगे तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगा। तो ओयन बोलते हैं, क्या तुम सच में एक नॉर्मल इंसान बन सकते हो? जेहो बोलते हैं, ऐसा मैं तुम्हें नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एक माफिया कभी भी एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकते हैं, अगर वो अच्छा बनने की कोशिश भी करेगा तब भी कोई उसको अच्छा नहीं बनने देगा, सब लोग उसको माफिया ही कहेगा। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो एक माफिया करते हैं, और तुम्हारे साथ प्यार से रहने की कोशिश करूँगा। तो ओयन बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे जोंगकुक त्यांग को किस करना शुरू करते हैं, जैसे ही कमरे में लेकर आते हैं वो त्यांग को बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहा था, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। त्यांग जोंगकुक को चाहे तो रोक सकता है लेकिन उसने जोंगकुक को नहीं रोका है। जिमिन इसी के बारे में ही बोल रहा था। सो गाइस यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।